हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल जोजस स्टडी पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता और आज मैं लेकर आई हूँ EVS पर्यावरण की क्लासेस। आज की हमारी क्लास है सेकेंड और मैं आपको कराने वाली हूँ सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2019 के। मैंने SEDP के क्वेश्चन पेपर 2019 के कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारी क्लास की टाइमिंग है 11 और आपको जैसे बताया ये जो है हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और आपको अच्छे से पता है कि मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि आप एक बार ही देखते हैं आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो इसका पहला ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, दूसरा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, तीसरा है हमारा पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, चौथा है बच्चों के स्थायी ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो हमको गलत लग रहा है तो वो ये है, ये वाला शिक्षकों के ज्ञान वो सॉरी सी नहीं बी शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, तो हमारे जो आंसर हो जाएगा ए बी और डी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ए बी और डी, ए सी और डी। ठीक है, बी वाला तो हमारा सही है। तो इसका डिस्कशन करते हैं तो इस प्रकार है, पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बच्चों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्ञान सृजन के लिए बच्चों की क्रियात्मक रूप से शामिल होना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई को कक्षा की चार दीवारी के बाहर जोड़ा जा गया है। पाठ पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों द्वारा बच्चों के अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए बाहरी परिवेश, बाग बगीचे, तालाब भ्रमण आदि के अनुभवों को जोड़ने की जरूरत है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया गया है। मतलब ये बात ये कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं कोई भी काम करें उसमें उनकी सक्रिय भागीदारी जो होती है वो ज़रूरी होती है। दूसरा ये कह रहे हैं कि उनका क्रियात्मक रूप से शामिल होना भी ज़रूरी है, मतलब वो अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें काम करें, आलस नहीं करें। फिर ये कह रहे हैं कि अगर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान देना है तो उनको चार दीवारी के बाहर निकालना पड़ेगा और उनको उनमें ऐसी क्षमता विकसित करनी होगी जिससे वो अवलोकन करें अपने बाहर के परिवेश का, बाग बगीचों का, तालाबों का, इन सब का उनका भ्रमण कराए और उसका वो अवलोकन करें और अपने अनुभवों को बढ़ाएं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि और पर्यावरण अध्ययन में बच्चों का जो स्थानीय ज्ञान है उसको विद्यालय के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, तीसरा है कक्षा निर्देशन, फिर है किस्से कहानियाँ। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो सबसे प्रभावशाली तरीका बस किस्से कहानियाँ हैं, नैरेटिव्स। ठीक है, किस्से कहानियाँ हैं। अब इसका डिस्कशन करते हैं तो ये पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली युक्ति जो होती है किस्से कहानियाँ होती हैं। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों को अपने को आसानी से जोड़ लेते हैं। मतलब क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको कहानियाँ सुनना क्यों पसंद होता है, क्योंकि उनको लगता है वो कहानी जो घटित हो रही है उनके साथ ही घटित हो रही है। ठीक है, इसलिए वो खुद को उन पात्रों में खुद को रख लेते हैं। ठीक है, और जो चीज़ होती है उस बात को अगर किसी बच्चे को समझाना है तो कहानियों के द्वारा अगर उन्हें समझाएंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? मतलब पर्यावरण अध्ययन की कौन सी बात है जो सच नहीं है? पहला है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये तो सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। ठीक है, परिवेश को खोजने का अवसर देता है, हाँ ये भी बात सही है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है ये भी बात सही है। फिर ये कहते हैं कि कहाँ गया, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, तो ये तो नहीं है बात भाई। कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे जो अधिगम का जो आते हैं 2009 ये सब, ठीक है ये कहते हैं कि रटना और परिभाषाओं को याद करना ये उनके सिद्धांतों में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया।
फिर नेचर ऑफ ईवीएस इंटीग्रेटेड यह पर्यावरण की एकीकृत प्रकृति। हाँ तो पर्यावरण अध्ययन जो एकीकृत प्रकृति का है, ये जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है तो एकीकृत है, ठीक है, ये भी पॉइंट सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत निकला है, ये तो मतलब कि सच नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं इसके डिस्कशन पे। डिस्कशन में क्या लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, और ये बात भी क्वेश्चन कई बार पूछी गई, पर्यावरण अध्ययन जो होता है कैसा होता है, तो पर्यावरण अध्ययन जो होता है हमारा बाल केंद्रित होता है, कैसा होता है, बाल केंद्रित होता है। और फिर अब बात करते हैं आगे क्या लिखा है, जिससे बच्चे स्वयं को खोजकर पता करने का अवसर मिले। मतलब बाल केंद्रित का मतलब बच्चों को चांस दिया जाता है खुद ही समस्या ढूंढने, खुद ही समस्याओं का हल ढूंढने, ठीक है। और वे रटने की मजबूरी, मतलब रटना जो होता है हमारे अध्ययन में अधिगम शिक्षण अधिगम में नहीं आता है। फिर आया पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, जैसा कि मैंने अभी बताया पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को मौका दिया जाए कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखने का प्रश्न करें, प्रयोग करें। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। फिर वही बात लिखी है कि पर्यावरण के अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है, एकीकृत होती है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद, मतलब एक शिक्षक जो होता है हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये तो हमारे ऑप्शन है, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो ये है, बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, ठीक है, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, मतलब जो बच्चों की प्रक्रिया जो होती है कौशलों का आकलन करती है, हाँ करती है। फिर तीसरा है, दूसरा है बच्चों के खोजने का अवसर देता है, हाँ बच्चों को खोजने का अवसर देता है। तीसरा है बच्चों की अपनी व्यक्ति का अवसर देता है, हाँ ये भी देता है। तीनों ऑप्शन तो सही हो गए। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, एक मिनट, हमारा अगला ऑप्शन ये है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना है, ये बात गलत है। बच्चों में किसी के आधार पर भी विभेद नहीं करना है, मतलब ए बी सी दो हमारे ऑप्शन सही निकले हैं, तो हमारा ये सही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके उसकी क्या बोलते हैं इसके डिस्कशन की, तो ये लिखा है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संकलन करता है, ठीक है। मतलब जो एक शिक्षक जो होता है, अच्छा शिक्षक जो होता है, कोई भी क्रियाकलाप कराएगा, फिर उसके बाद प्रश्नों का और चर्चाओं का संकलन करता है, संचालन करता है, ठीक है, प्रश्न करता है बच्चों से। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने पर उद्देश्य सूचना और जानकारी को जांचना नहीं है। मतलब क्रियाकलापों, प्रश्नों को करने का उद्देश्य जो होता है सूचना और जानकारी को जांचना नहीं होता है, बल्कि बच्चों को विचार प्रकट करने का अवसर देता है। यानी इसका मकसद बस यही होता है कि वो देखता है कि बच्चे जो होते हैं इस टॉपिक पे क्या क्या अपने विचार दे सकते हैं। इन प्रश्नों तथा क्रियाकलापों को करने के लिए बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर तथा पूरा समय दिया जाना चाहिए। और इसके लिए क्या करना होगा कि शिक्षक को ये जो उस पर विचार जो प्रकट करने का जो अवसर होता है उसको व्यक्त करने का पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। बच्चा जो होता है, हर बच्चे की गति एक सी नहीं होती है, सबकी गति अलग अलग होती है। इसके अलावा बच्चों को अपनी व्यक्ति का अवसर देना चाहिए, और बच्चे उस चीज़ को कैसे व्यक्त करते हैं उसको, उसके लिए उसको प्रॉपर समय और अवसर मिलना चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। मतलब ये कहते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन करना है तो पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा इधर उधर भी उन्हें कई चीज़ों से मदद लेनी चाहिए। तो अगला हमारे ऑप्शन है, तो इस ये ऑप्शन मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। हमारा पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, तो हाँ पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए सिर्फ शिक्षक की पाठ्य पुस्तक ही नहीं चाहिए होती, कई जगह से हम इसे सीख सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर हमें यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, हाँ ये भी बात सही है। फिर अगला हमारा पॉइंट है वो ये है कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि से जानने का अवसर देती है, हाँ बिल्कुल देती है, अपनी पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देती है। हमारा चौथा ऑप्शन है वो ये है सौंदर्यगत, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, तो ये बात हमारी गलत है कि पर्यावरण अध्ययन जो सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए बी और सी, ये हो जाएगा, तीन पॉइंट हमारे सही निकले हैं, ठीक है। और इसका जब डिस्कशन करते हैं
तो डिस्कशन कोई इस प्रकार है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों जैसे परिवार के सदस्य मतलब समुदाय के लोग समाचार पत्र अन्य पुस्तकें इत्यादि की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब एक शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को इस और बोल यानी इस और खींचे कि वो पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान चाहते हैं तो वो अपने परिवार के सदस्यों से बात करें, समुदाय के लोगों से, समाचार पत्र, अन्य पुस्तकें, इन सब की मदद से वो मदद ले सकता है। इसे पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास होता है तथा बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा। ठीक है, ये ऐसा करेगा तो उसे समाज से और अभिभावकों से जुड़ाव होने लगेगा। ठीक है, साथ ही उनका योगदान भी बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही उनका योगदान भी बढ़ेगा और शिक्षकों को भी बच्चों के परिवारों की पृष्ठभूमि के जानने का अवसर का मौका मिलेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है। पहला ऑप्शन है सहभागिता, दूसरा है याद करना, तीसरा है प्रश्न पूछना और अगला ऑप्शन है वो है हमारा न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, याद करना। ठीक है, ये जो हमारा याद करना और रटना ये सब पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में नहीं आता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और ये हमारा जो लिखा है पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए याद करना संकेतक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल जो जो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।